आज की थाली खरजितिया व्रत के लिए है। तो खरजितिया का जो नहाका होता है ना, उस दिन ये सारा खाना बनाया जाता है, वही थाली आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि उस थाली में क्या क्या बनाया जाता है। तो ये ज्योत पुत्री का व्रत है और ये अष्टमी के दिन किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा नियम से व्रत किया जाता है। फास्ट बिल्कुल निर्जला व्रत होता है ये। तो उसी व्रत का खाना मैं आप सभी के साथ में शेयर करें, जिसमें मेन चीज़ मालपुआ होता है। और मालपुआ जो बनाया जाता है वो आटे से ही बनाया जाता है और मैदे से ही बनाया जाता है। तो मैं आज थोड़ा सा अलग तरह का मालपुआ बना रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है पनीर। तो 100 ग्राम मैंने पनीर लिया है और इसमें डाल लिया है 3-4 हरी वाली इलायची, जिसको मैंने तोड़ करके डाल लिया है। और कटोरी से मैंने ले लिया है अभी तो फ़िलहाल 1 कटोरी चीनी और इसे पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरह मैंने पीस लिया है। मैं पनीर वाला मालपुआ बनाने जा रही हूँ और इसे पहले निकाल लेती हूँ। और मैंने छोटा जार ही लिया है इसे पीसने के लिए, ताकि छोटे वाले जार में ना अच्छी तरह पीस जाता है। और अब उसी जार में मैंने ले लिया है 1 केला, पका हुआ केला। तो केले को छोटे छोटे टुकड़े में पहले काट लेती हूँ और बाकी जो चीनी है वो मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, 1 कटोरी से कम लिया है, तो ये डाल लेती हूँ। अब इसे भी मैं पीस लेती हूँ। किसी भी चीज़ की इसमें पीसने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको, पानी वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी मैं पीस करके ले आई हूँ और यहाँ पे दोनों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से जार को साफ़ कर लेते हैं। और अब मैंने मैदा लिया है, तो 2 कटोरी मैंने मैदा लिया है। आप इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं, या सिर्फ आटे भी से बना सकते हैं, या आप सिर्फ मैदा से बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ मैदा से ही इसे बनाने जा रही हूँ आज। और इसे अब धीरे धीरे मिक्स करते हैं। तो धीरे धीरे इसमें पानी डाल करके मैं मिक्स करूँगी। आप पानी की जगह दूध भी डाल करके मिक्स कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पनीर डाला है तो अब मैं इसमें दूध नहीं डाल रही हूँ, अब मैं इसमें सिर्फ पानी डाल रही हूँ। और पानी डाल करके इसे इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। घोल किस तरह का होना चाहिए वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो चलिए पहले धीरे धीरे इसे पानी डाल डाल करके घोल लेते हैं। तो इकट्ठा आपको एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना वो गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी और आपको अंदाज़ा भी नहीं मिलेगा कि इसमें कितना पानी जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे पानी डाल करके इसे मिक्स करते जाइए और इसे घोल बनाते जाइए। तो इस तरह देखिए गाढ़ा सा ही, जैसे केक का बैटर होता है ना, उसी तरह का मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। तो इसे अच्छी तरह अब एक बार फेंट लेते हैं मैदा के साथ, क्योंकि हमने मैदा डाला है ना। बाकी चीज़ें तो हमारी सारी बिल्कुल अच्छी तरह फेंटी हुई है, लेकिन अब रह गया है हमारा मैदा। तो मैदा को डाल करके और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। और यहाँ पे जो कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उस कढ़ाई की पहले पूजा की जाती है और फिर इसमें मालपुआ फ्राई किया जाता है। तो चलिए तेल गर्म हो गया है। मालपुए को बनाने के लिए तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल को आपको एकदम मीडियम गर्म करना है। और इसे आपको डालते समय आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, वरना एकदम से ना आप देखेंगे सिकुड़ जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मालपुआ बिल्कुल अच्छा बनेगा, फूला फूला बनेगा और अंदर तक पक जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं जब हम हाई फ्लेम पे मालपुआ डाल देते हैं ना, तो वो अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से एकदम लाल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से इसे पकने का मौका मिलता है और ये बहुत अच्छा फूलता है। तो एक साथ, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ा सा फैला हुआ है ना, तो मैं इसमें एक साथ 2 डाल रही हूँ। और इस तरह जो बनाया जाता है खाना, उसमें से सबसे पहले इसमें से निकाल करके रख दिया जाता है। और यहाँ पे मैं आलू
गोभी मटर की सब्जी बना रही हूँ, तो एक तो ये सब्जी बना रही हूँ और दूसरा एक मिक्स सब्जी बनता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पे मसाले वगैरह डाल लिया है, डाल करके भून लिया है सब कुछ। और यहाँ हमने मालपुए को भी देख लेते हैं, क्योंकि मालपुआ बनाने में ना टाइम लगता है, तो एक तरफ आप इसे फ्राई कीजिए और दूसरी तरफ आप बहुत सारा काम कर सकते हैं तब तक ये फ्राई होता है, क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगता है, इसे आपको बहुत आराम आराम से बनाना पड़ता है तभी ये अच्छा बनता है। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह फूल गया है ये एकदम अंदर तक, और इसे दबा दबा करके ना आपको तेल में पकाना है ताकि ये अंदर बिल्कुल कच्चा ना रह जाए। तो यहाँ पे एक और मैं डाल लेती हूँ, यहाँ सब्जी भी हमारी भून रही है। चलिए इसमें आलू डाल लेते हैं, गोभी मटर वगैरह मसाले भून गए हैं, तो आलू को उबाल लिया था और उबाल करके इसमें अब मसाले भून गए हैं, तो अब तोड़ करके इसमें अपने आलू को डाल देते हैं और जितना आपको ग्रेवी रखना है उतना पानी डाल देते हैं और डाल करके इसे मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके बस, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पक गई है तो अब इसे थोड़ा सा बस, क्योंकि पानी और मसाला वगैरह के साथ में हमारी सब्जियाँ पक जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। और हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब डाल देते हैं स्वादानुसार इसमें नमक। एक बार मिक्स कर लेते हैं और एक बार अपनी सब्जियों को अच्छी तरह पक जाने देते हैं, ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए तब तक हमारा मालपुआ भी बनता जा रहा है और दूसरी तरफ हमारी सब्जी भी बन रही है। तो मालपुए के साथ साथ आप और भी जो भी खाना आपको बनाना है वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ हमारी सब्जी भी बन करके तैयार है और यहाँ पूरी के लिए आटा लगा लेती हूँ। तो मालपुए के साथ साथ पूरी भी बनाई जाती है जो कि पितरों को भी दिया जाता है इसी खाने में से, तो जो जो पितरों को पसंद होता है ना वो खाना आज बनाया जाता है और उन्हें भी आज के दिन ये खाना अर्पित किया जाता है और फिर अगले दिन फास्ट रखा जाता है और यही प्रसाद के रूप में सप्तमी के दिन घर में सभी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ हमारी पूड़ियाँ भी फ्राई होकर के तैयार हो गई है और मिक्स सब्जी में बहुत 7 तरह की मिक्स होती है सब्जियाँ, जिसमें नोनी का एक साग होता है, तुरई होती है और बहुत सारी सब्जियाँ, यानी कि गोभी मटर मिला करके सारे 7 तरह की सब्जियाँ बनाई जाती है मिक्स करके, यानी कि उसे मिक्स वेज कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें, ये सब्जियाँ इसमें बनाना बिल्कुल मस्ट होता है, यानी कि ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारी दोनों सब्जियाँ तैयार है और हमारे मालपुए और पूड़ियाँ तैयार है। तो आपको कैसी लगी ये थाली? अगर आपको मेरी ये थाली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और आप मुझे बताएं कि अगर आपके यहाँ ये व्रत होता है तो किस तरह मनाया जाता है और आपके यहाँ क्या क्या खाना बनाया जाता है। तो मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।